अब खुलेगी प्रशासन की पोल, जब उनका हमसे होगा सामना, देखेगी जनता सच हमारे साथ, जब खोलेगा न्यूज 19 भ्रष्टाचार की पोल। राजस्थान के अंदर अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के अंदर लेकर बम गिरा है उसको लेकर के सामने आ रहा है, और इसी को लेकर के कल बीजेपी की एक बैठक भी हुई थी, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और अरुण सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं, यह उसके अंतर्गत भाषण देते हुए भी नजर आए थे। लेकिन ये मीटिंग क्यों रखी गई थी मैं आप सभी को बताता हूं। इसके अंतर्गत ऐसा हुआ था कि गुलाब चंद कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष है उनके विरोध में जो प्रस्ताव लाया जा रहा था उसी को लेकर के ये मीटिंग रखी गई थी और कई मुद्दे इस मीटिंग के अंतर्गत उठाए गए थे। लेकिन अभी जो ये बीजेपी के अंदर चिट्ठी बम को लेकर के जो लगातार असमंजस बना हुआ है उसी को लेकर के आज हमारे साथ हमारे खोल खोल शो के अंदर पत्रकार करतार जी मौजूद हैं। तो करतार जी स्वागत है आपका न्यूज 19 के अंदर। करतार जी, आखिरकार ये बीजेपी के अंदर जो ये लेटर बम देखने को मिला है ये क्या है, सबसे पहले तो आप ये बताइए। देखिए, मैं आपके न्यूज 19 चैनल के माध्यम से आम जनता को बता दूं कि जो गुलाब चंद कटारिया जी ने राजसमंद चुनाव को लेकर जो महाराणा प्रताप जी के बारे में जो ये शब्द बोले थे उसके लिए महाराणा प्रताप जी ने फेसबुक पे आम जनता से और आम नागरिक से सबसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी इस मामले में। और उनका बोलना एक ये गलत नहीं था कि मैं महाराणा प्रताप जी के बारे में गलत बोलूं, गलत सोच रखूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बात था कि एक दूसरी पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती है, वो निराकरण यानी ये आरोप गलत है। उन्होंने बोला है वो कुछ स्वीकार है, लेकिन उनका बोलना ये इस तरीके का नहीं था जिस तरीके से पब्लिक गलत ले रही उस मामले को। चुनावी था, चुनावी माहौल था, बीजेपी बीजेपी को कभी गिराना नहीं चाहती। आप कह रहे हैं कि चुनावी माहौल है और सब कुछ है, लेकिन वही आप बीजेपी पार्टी के ही लगातार जो दूसरे नेता और विधायक है वो इसका विरोध कर रहे थे और वही इसको लेकर के प्रस्ताव गिराने की बात कर रहे थे। तो आखिरकार जो अंदरूनी पार्टी के अंदर ही कलह देखने को मिल रही है, क्योंकि जब विधायक कैलाश मेघवाल जो कल बैठक हुई थी उसके अंतर्गत 3.25 घंटे लेट भी आकर वही प्रस्ताव लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर दिन का भूला हुआ रात को अगर घर वापस लौट जाए तो उसको भूला ना करे। आपको पता है कैलाश मेघवाल जी से निकल गई है, जैसे भी जो शब्द हो गए उन्होंने समस्या का समाधान करते हुए मीटिंग में भी पहुंचे, देरी से पहुंचे लेकिन मीटिंग में पहुंचे, वहां जाकर इस मामले को सॉल्व किया, घर की बात घर में रख ली। बीजेपी पूरे एक गुट में फिर भी नजर आएगी आपको, बिल्कुल कांग्रेस की तरह तो नहीं है कि पूरे 3 साल होने को जा रहे हैं गहलोत सरकार और सचिन पायलट में जो दरकिनारे जो है दोनों में दूरियां बनी हुई है वो आज भी आप देख रहे हैं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार हुआ? नहीं हुआ ना। मैं इसी बात को लेकर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर बीजेपी का कोई ऐसा मुद्दा सामने आया है तो उन्होंने घर की बात को घर में रखी है। चाहे कैलाश मेघवाल जी जो विधायक पूर्व थे उन्होंने चाहे देरी से पहुंचे मीटिंग में आए, गुलाब चंद कटारिया जी के पास भी आए, राजेंद्र राठौड़ जी की जो मीटिंग हुई उसमें भी आए, उन्होंने आके उस समस्या का समाधान किया। एक दूसरे ने अपनी बात को घर के घर में रखी, बाहर तक तो नहीं थी, आम जनता को परेशान तो नहीं किया। लेकिन उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो जो हमेशा आगे बैठते हैं, मतलब पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक जो मानने में आते हैं वो उसमें से हैं और वो सबसे आगे बैठते हैं पार्टी के कोई भी मीटिंग होती है, लेकिन कल तो वो नजरें चुराते हुए नजर आ रहे थे नेताओं से और किसी से भी ज्यादा बातचीत देखने को नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं मन मुटाव तो देखने को इसमें मिल ही रहा होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं ये पहली बात नहीं है आगे पीछे बैठने का। आपने देखा कि कांग्रेस में सचिन पायलट दिग्गज नेता की गिनती में आते थे, उनकी सीट भी तो विधानसभा में आनी, आपको पता है चयन करी थी। जब गहलोत और पायलट में जब दोनों में गुटबा जीती, दोनों सरकार को लेके 2.5 साल मुख्यमंत्री मैं रहूं 2.5 साल आप रहो, इस बात को लेकर पायलट की क्या सीट विधानसभा में चेंज नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। फिर पायलट ने ये भी कहा था मुझे बीच में बॉर्डर में कर दिया, लेकिन मैं यानी अपनी पार्टी को कभी भी यानी हार में नहीं दूंगा। उनका कहना था कि सरहद पर जवानों को ही भेजा जाता है और मुझे सरहद पर भेज दिया गया है। लेकिन वही आप कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अभी लगातार असमंजस बना हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जब अजय माकन भी आ गए, केसी वेणुगोपाल भी आ गए, सब जने आ गए, लेकिन कहीं पर भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात ही नहीं हो रही है? कभी मुख्यमंत्री साहब की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ होता है, तो क्या लग रहा है इसमें कि करना नहीं चाहते या कुछ अलग रीजन इसका सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं जब ये लास्ट मीटिंग थी और 28 या 27 तारीख के करीब यानी सबको गहलोत जी को जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, सचिन पायलट जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन दोनों को यानी दिल्ली बुलाया हुआ था
और पायलट जी जब दिल्ली पहुंच गए और गहलोत जी की अचानक तबियत खराब हो गई। चलो मानते हैं तबियत बीमारी कभी कह के नहीं आती, कभी भी आ सकती है, लेकिन आपको पता है जो पंचायती राज चुनाव जो चले थे उस समय कोरोना कहीं नजर नहीं आया सरकार को। उस समय तो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, बड़े बड़े यानी स्टार प्रचार प्रचार जो कर रहे थे कि कांग्रेस के यानी जिला प्रमुख बने, प्रधान बने, तब तो कोरोना नजर नहीं आया। आपको पता है अभी कुछ समय पहले, 2 से 3 दिन पहले जब सचिन पायलट जी का जो बर्थडे था, जन्मदिन जो बड़े धूमधाम से यानी जयपुर में मनाया गया, वो चर्चा का विषय, उस पब्लिक को उस भीड़ को देखते हुए गहलोत जी पूरी तरह से बौखला गए। आपको पता है उस ये क्यों अभी यानी आपको पता है मंदिर मंदिर सब जगह जहाँ भी जाना है वहाँ रैलियां रोक दी, मंदिर का मेला रोक दिया, क्या कोरोना अभी नजर आ रहा है? पंचायत राज चुनाव में नहीं आया। पता है कि अभी जो महा की जो सत्ता आने वाली है, गुर्जर समाज का एक बहुत बड़ा यानी मेला भरता देवनारायण जोधपुरा धाम में, उसमें गुर्जर समाज का सर्व समाज साधु समाज वहां इकट्ठे होने वाली थी और पायलट जी वहां जाने वाले थे। इसको देखते हुए गहलोत ने तुरंत ये सब कोरोना का यानी बाहर लेकर और ये सब आपको बताया, ये ऑर्डर अभी 1-2 दिन पहले ही निकाले गए हैं सरकार की तरफ से, जहां पर सार्वजनिक क्षेत्रों पर ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और 50% की क्षमता वापस से उन्होंने लगा दी है। लेकिन वही अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के क्या चल रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में आखिरकार क्यों माखन दीदी कर रहे हैं, क्यों अशोक गहलोत दीदी कर रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि सचिन पायलट कई बार दिल्ली जा चुके हैं और दिल्ली जाने के बाद भी उनको निराशा ही हाथ लगी है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ समय पहले सुनने को मिला कि प्रियंका गांधी जी ने सचिन पायलट जी को समय नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी खुद ने ट्वीट करके कहा कि ऐसा नहीं हो सकता पायलट को यदि समय नहीं दिया जाए। पायलट एक हिस्सा है कांग्रेस पार्टी का, एक हिस्सा है, वो एक मंत्री और विधायक ही नहीं है, पार्टी कांग्रेस का हिस्सा है वो, और वरिष्ठ यानी नेताओं की गिनती में भी पायलट आते हैं, और पायलट को समय ना दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता। ये सब यानी आपको बताया कि कहां से लगाई जाती है विवादित पार्टी, जो एक दूसरे पे अगर दुश्मनी चलती है तो वो ये सरकार का बयान लेते हैं। और बता कि बहुत जल्द होगा, ये भी बहुत जल्द होगा पायलट जी के जन्मदिन पे। आपको पता है राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। अब इस बात को आप भी समझ सकते हैं, आम जनता तो समझ ही चुकी है और आपके चैनल के माध्यम से फिर जनता के बीच ये मैसेज जाना चाहिए कि आने वाला समय पायलट के लिए अच्छा होगा। कब तक बीमारी का बहाना चलेगा, कब तक यानी कोरोना का बहाना चलेगा, क्यों नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार? क्योंकि हो सकता है गहलोत को खतरा मंडरा रहा हो, मंत्रिमंडल अगर विस्तार होगा तो गहलोत को कहीं नहीं, गहलोत के मंत्री या विधायक नाराज होंगे यानी दूसरे कमरे में जाके मिलेंगे, इसीलिए तो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा। लेकिन होगा, ये मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाऊं, बहुत जल्द होगा। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि होगा और बहुत जल्द होगा, लेकिन वही अभी पंचायत चुनाव में भी रिजल्ट के नतीजे कुछ और ही देखने को मिले थे, जहां पर जोधपुर में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, तो वहीं जयपुर उनसे चिंता में नजर आया था कांग्रेस की सरकार से, क्योंकि जयपुर के अंदर जितने भी लगभग मंत्री और विधायक रहते हैं वो सब गहलोत गुट के हैं, पायलट गुट के बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए जयपुर की सीट भी इस बार उनसे छिंटी हुई नजर आई है। लेकिन आखिरकार कब इसके अंतर्गत विस्तार किया जाएगा और इसके साथ साथ बीजेपी पार्टी के अंदर क्या ब्लैटर बम को लेकर के एक बार फिर से बवाल होगा, देखिए हमारी अगली पोल खोल के अंदर पत्रकार करतार के साथ।